Hey guys, what's up? Back to another video. This is Avinash and welcome back to my channel. तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा फियर टॉपिक है एक मोबाइल फोटोग्राफर के लिए या फिर किसी भी फोटोग्राफर के लिए, प्रोमोड मोबाइल का प्रोमोड, जिसमें मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा फेस करी है प्रॉब्लम्स एंड काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ को सीख रहा हूँ और उसके बाद जितनी भी चीज़ें मैंने एक्सपेरिमेंट करके सीखी हैं उनके बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें बताऊँगा, अपनी सारे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और ट्राई करूँगा कि आप लोगों को प्रोमोड अच्छे से समझ आ जाए। बट बिफोर गेटिंग टू द प्रो मोड एक छोटा सा प्रोटिप देना चाहूँगा। आप अगर एक मोबाइल फोटोग्राफर है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द मोबाइल आउट एंड क्लिकिंग रैंडम फोटोज़, आप सबसे पहले जो चीज़ कीजिए वो है अपना लेंस साफ करना सीखिए। अपने लेंस के ऊपर जो स्मजेस होते हैं, लाइक अगर मैंने अभी कभी भी अपना फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मेरी अगर फिंगरप्रिंट उसके ऊपर लगे हुए हैं लेंस के ऊपर, तो बहुत चांसेस है कि उसकी जो क्लैरिटी है, जो इमेज की क्लैरिटी है, वो कम हो जाएगी। तो अगर आप नॉर्मल टी शर्ट पहन रहे हैं, शर्ट पहन रहे हैं, आपके पास एक हैंकरचीफ है, टिश्यू है, उससे आप अपना लेंस साफ कीजिए और उसके बाद फोटोज लेना सीखिए। सो लेट्स गेट द इंट्रो रोलिंग और उसके बाद हम बात करते हैं प्रो मोड के बारे में। तो जब हम प्रो मोड के बारे में बात करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिवाइस। अगर आपका एक हाई एंड फ़ोन है उसमें 5 ऑप्शंस होंगे प्रो मोड में, अगर आपका एक लो एंड फ़ोन है उसमें 3 ऑप्शन हो सकते हैं। अभी डिपेंड करता है आपका फ़ोन कौन से कंपनी का है, लेकिन मैं ऐसे 3 चीज़ों के बारे में बात करूँगा, 3 ऐसे पैरामीटर्स के बारे में बात करूँगा जिनको आप अगर समझ लें तो आपकी जो फोटोग्राफी है वो नेक्स्ट लेवल पक्का चली जाएगी। तो सबसे पहली जो चीज़ होगी वो होगी फोकस, जो सेकेंड चीज़ होगी वो होगी ISO और जो तीसरी चीज़ होगी वो है शटर स्पीड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रो मोड आता कहाँ है, लाइक अवेलेबल कहाँ होता है। तो जो भी आपका स्टॉक कैमरा है उसमें आप जाइए। अब मेरा फ़ोन, मेरे पास वन प्लस है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसमें कहाँ है। तो इसमें मैं सिंपली स्वाइप अप करता हूँ, मेरे को ऑप्शन दिख जाता है प्रो मोड का। तो यहाँ पे प्रो मोड में मैं जाने के बाद मेरे पास 5 ऑप्शन है। आप, हो सकता है आपके फ़ोन में 3 ही ऑप्शन हो, 4 ऑप्शन हो, ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, यह कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है एज आई सेड। तो इसमें हम बात करने वाले सबसे पहले जो 4th ऑप्शन है, यानी कि फोकस के बारे में। तो फोकस पे जाते हैं। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, ये चीज़, इस चीज़ को आप तभी छेड़िए जब आप मैक्रो शूट कर रहे हैं या फिर आप लैंडस्केप शूट कर रहे हैं। अगर आपका सब्जेक्ट या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो इन दोनों के बीच में कहीं लाया करता है तो आप इसको बिल्कुल मत छेड़िए। मैं प्रेफर करूँगा आप ऑटो पे रखिए इसको, आपकी इमेजेस बहुत अच्छी आएंगी। तो चलिए बात करते हैं क्या फ़र्क पड़ता है जब मैं इसको अपने फोकस को मैक्रो पे स्विच करता हूँ या फिर इन्फिनिटी पे स्विच करता हूँ। तो अभी मैं अपने प्रो मोड में हूँ और मेरा 4th ऑप्शन है वो है फोकस का। तो फोकस पे जाने के बाद ये डिफ़ॉल्ट ऑटो पे सेट होता है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऑटो पे जब कोई चीज़ सेट होती है जो कि सबके फ़ोन में डिफ़ॉल्ट ऑटो पे सेट होगी, तब क्या फ़र्क पड़ता है, लाइक आप जब सब्जेक्ट मूव करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो लाइक अभी मेरा हाथ एज सब्जेक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको मैं पास लेके जाऊँ या दूर लेके जाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उस पर बहुत जल्दी फोकस कर लेगा और डिटेल्स मेंटेन करेगा। बट अगर मैं इसको मैक्रो पे स्विच करूँ तो आप देख सकते हैं हर चीज़ ब्लर हो चुकी है, लेकिन अगर मैं अपना जो हाथ है उसको 5 सेंटीमीटर जितना क्लोज ले आऊँ तो आप देख सकते हैं बहुत डिटेल्ड होती है इमेज और यहाँ पे मेरे फिंगरप्रिंट्स तक दिख रहे हैं एंड जो बैकग्राउंड है वो पूरा ब्लर आ रहा है। अब अगर मैं इस चीज़ को लैंडस्केप अगर आप शूट करने जा रहे हैं उस पर स्विच कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपने जो फोकस है वो इन्फिनिटी पे स्विच कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो बैकग्राउंड है वो कितना ज़्यादा फोकस में रहता है, लाइक क्लाउड्स, आपकी जो डायनामिक रेंज है वो कितनी प्यारी हो जाती है। और अगर मैं अपना हाथ पास में रखता हूँ तो वो आउट ऑफ फोकस है, क्योंकि जो हमारा फोकस है वो इन्फिनिटी पे है। तो ये चीज़ थी फोकस से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं अदर 2 मेन कॉम्पोनेंट्स के बारे में, दैट इज ISO एंड शटर स्पीड। अगर आप एक स्टिल लाइफ फोटोग्राफर हैं या फिर आप फ्लैटले शूट करना पसंद करते हैं, तो मैं चाहूँगा आप अपने ISO पे ज़्यादा ध्यान दें शटर स्पीड से ज़्यादा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज अगर आप एक नॉर्मल शूट कर रहे हैं और आप ISO सेट कर देते हैं पहले, तो आप अपने शटर स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी कलर्स एंड वाइटनेस और ब्राइटनेस दैट यू वॉन्ट। तो अब मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, लाइक क्या फ़र्क पड़ता है ISO को जब हम शिफ्ट करते हैं। एंड ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, अगर आप ISO को एडजस्ट कर रहे हैं या फिर आप उसको स्विच कर रहे हैं तो 800 से ज़्यादा मत रखिए, बिकॉज उसके बाद आपकी फ़ोटो में ग्रेन्स आने लग जाते हैं। तो 800 तक ठीक है, 800 से ज़्यादा मत रखिए। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे शूट करना चाहिए। तो अभी मेरा ISO ऑटो पे है एंड ये खुद से डिटेक्ट कर रहा है लाइक क्लाउड्स वगैरह सब, जब मैं क्लाउड्स पे स्विच कर रहा हूँ तो वो उन पे ध्यान दे रहा है। लेकिन अगर मैं अब अपना ISO बदलूँ, लाइक अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ,
तो क्लाउड्स की फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आ रही हैं। एंड अगर इसको मैं 3200 करता हूँ तो पूरा वाइट हो जा रहा है स्काई हमारा, और जो फ़ोटोज़ है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो रही है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप इसको किस पे सेट करते हैं। ऑटो पे अगर आप सेट करेंगे तो जो क्लैरिटी है वो हो सकता है आपके पसंद के हिसाब से ना आए। तो अगर आप लैंडस्केप शूट कर रहे हैं तो आप इसके साथ खेल के बहुत ही अच्छी इमेजेस पुल आउट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे कंपोनेंट की तरफ, दैट इज़ शटर स्पीड। सो एज द नेम सजेस्ट, शटर आप जो दुकान पे देखते हैं वैसा ही होता है एक्चुअल कैमरा में भी। आप इमेजिन कीजिए एक शॉप जो कि एक सेंसर का काम कर रहा है, एंड जो शटर है जैसे ही वो खुलेगा जितनी भी लाइट आएगी वो सेंसर पे रिकॉर्ड होगी, एंड उसको प्रोसेस करने के बाद वो चीज़ आपको स्क्रीन पे दिखती है। अब वो शटर जितनी ज़्यादा देर तक खुलेगा लाइट उतनी ज़्यादा कैप्चर होगी और आपकी इमेज उतनी ब्राइट आएगी। अब वो शटर अगर कम देर तक खुलता है एंड अगर आप आईओएस के साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी करते हो तो आपकी जो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी वो चीज़ अचीव हो सकती है। अब जैसे ही मैं शटर स्पीड के बारे में बात करता हूँ, दो मेन टाइप की फोटोग्राफी मेरे दिमाग में आती है। द फर्स्ट वन इज़ स्पोर्ट्स फोटोग्राफी एंड द सेकंड वन इज़ द लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी। तो लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी पे मैंने दो पहले ही वीडियोस बना रखी है, आप लोगों को आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही कमाल की फोटोज़ आती है, एंड फोटोज़ से ज़्यादा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैं जितनी भी फोटोज़ मैं लेता हूँ वहाँ पे अप करता रहता हूँ, एंड वहाँ पे डेली अपडेट्स भी आते रहते हैं मेरी वीडियोज़ के बारे में। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के बारे में। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी यानी कि जब भी कोई हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लाइक अ फुटबॉल या फिर प्लेयर्स या फिर मोटो व्लॉगिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि फास्ट मूविंग होगी, और उसकी फ़ोटो लेने के लिए आपका जो शटर है वो 1/2 जितना भी बड़ा नंबर होगा उतना अच्छा। अब मैं यहाँ पे एक ओपन ग्राउंड में हूँ एंड मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं, मेरे पास एक मेरा फ्रेंड है जिसके साथ मैं आपको एज अ एग्जाम्पल शूट करके दिखाता हूँ। तो मेरा फ्रेंड वहाँ पे खड़ा है, सबसे पहले प्रो मोड में जाता हूँ एंड आप लोगों को दिखाता हूँ कि शटर को एडजस्ट कैसे करना है। तो जो मेरा तीसरा ऑप्शन है शटर, वो अभी ऑटो पे सेट है एंड मैं उसको स्विच करता हूँ 1/500 पे, एंड बाकी जो चीज़ें हैं मैं उनको ऑटो पे रखता हूँ फिलहाल के लिए, जस्ट टू शो यू द रिजल्ट्स। तो अभी जब मैंने नॉर्मल फ़ोटो क्लिक करी थी बिना प्रोमोड में जाए तो कुछ ऐसी इमेज आई थी। अब मैं जाता हूँ अपने प्रोमोड में और शूट करके दिखाता हूँ। तो मैंने सब कुछ एडजस्ट कर लिया है, अब मैं अपने फ्रेंड को बोलूँगा वो जंप करे रैंडमली और मैं उसकी फ़ोटो लूँगा। ओके 3, 2, 1 ओके। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो क्लिक कर ली है, अब देखते हैं फ़ोटो का रिज़ल्ट कैसा है। तो ये एम आई है, थोड़ा स्लो होता है, इसमें प्रोसेसिंग होती है पता नहीं क्यों। तो मैं गैलरी में जाके ही देख लेता हूँ। ओके तो ये काफ़ी क्रिस्प इमेज है, हालांकि पोज अच्छा नहीं है बट फ़ोटो अच्छी आई है, क्रिस्प इमेज है। वो आप पोज उसने गंदा दिया, कुछ कर नहीं सकते। दो, आप लोगों को पॉइंट समझ आ गया होगा कि शटर को मूव करने के बाद लाइक 1/2 कोई बड़ा नंबर या फिर लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी क्या डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में। तो शटर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप स्विच करके देखिए। एंड जो मैं एक चीज़ पर्सनली बताना चाहूँगा, आप ये प्रो मोड को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे, जितनी ज़्यादा फ़ोटोज़ लोगे, जितने अलग अलग कंडीशंस पे आप शूट करोगे, उतना आप लोगों को इन तीनों कंपोनेंट्स के बारे में समझ उतनी ज़्यादा बढ़ेगी आपकी, एंड आप उतनी बेटर फ़ोटोज़ ले पाओगे। तो ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग, एंड इतना ही था इस वीडियो के लिए। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फोटोग्राफर फ्रेंड्स के साथ। एंड टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप क्लिकिंग।